दीदी आपने ये इतने सुंदर सुंदर चित्र लगाए, फिर ये बीच में ठप-ठपाटप क्या लगा दिया? खुद ही सोचो भाई, क्या हो सकता है ठप-ठपाटप? यही होगा। हाँ दीदी, हाँ दीदी, यही होगा। बिल्कुल पकड़ी तो तुमने बिल्कुल सही बात भाई। ठप-ठपाटप का मतलब इस तरह जो हम ये बना रहे हैं ठप्पा, इसी से ये भी लिखा गया, और जो अभी तुमने इतनी सारी चीजें यहाँ लगी देखी, ये सब भी इन्हीं ठप्पों से ही बनी है। अच्छा, अब ये देखा तुमने, ये तो आलू का ठप्पा है। इसको कैसे काटा हमने तुमने देखा? अभी ऐसे ऐसे पहले निशान लगा लिया, फिर ये बाहर का हिस्सा काट के निकाल दिया। ये देखो इस तरह से बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। और बता सकते हो ठप्पे किस किस चीज के होते हैं? तुमने बनाए कभी? मैंने दीदी कमल ककड़ी के बहुत सारे ठप्पे बनाए। और देखो ये सबसे पहले तो ये तुम देख रहे हो शिमला मिर्च का ठप्पा है। अब शिमला मिर्च को दो तरह से काट सकते हैं, एक ये आकार मिल गया, अगर लंबा काट दो इस तरह से तो ये आकार मिल गया। देखा तुमने ये दो ठप्पे, ये तुमने शिमला मिर्च के देखे। इसी तरह से तुम प्याज को देखो, एक तो ये प्याज का ठप्पा हुआ अगर हम इसको लंबाई में काट दें, दूसरा ठप्पा ये देखो अगर गोलाई में काट दें। ये तो बहुत अच्छा है, सुंदर है, बहुत अच्छा लगा ना। जैसा जहाँ पर तुम्हें जैसी जरूरत हो उस हिसाब से काट लो, जिस तरह का भी आकार चाहिए। इसी तरह ये देखो भिंडी है, इसको ऐसे काट के या तो करो, अगर गोल कोई चीज बनानी है तो ऐसे करो, और नहीं तो इसकी नोक जो होती है उससे कर सकते हो। और देखो कोई भी चीज तुम ठप्पे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये चीज भी है, अभी तुम्हें कुछ चीजें देखने को मिलेंगी जिसमें इस ठप्पे का प्रयोग हुआ है। और तो और ये देखो ये सजावटी जो प्लेट दिख रही है, इसका भी ठप्पे की तरह इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये चारों तरफ की जो डिजाइन है ये बहुत सुंदर लग रही है ना। इस तरह से बन सकती है बहुत सारी चीजें। और देखो इस तरह से एक कपड़ा लेकर के तुमने गोल ऐसे इसको कर लिया, और ये देखो ये भी एक ठप्पा बन गया। दीदी ये तरीका तो बहुत अच्छा है, मजा आया ना देख करके। और ये देखो तुम सोच रहे होगे कि ये जो हमने बनाया कैसे बनाया, तो ये देखो ये चूड़ी थी, इसमें हमने जब पा बनाना था तब यहाँ हमने सिर्फ आधे में रंग लगाया और इतना हिस्सा ऐसे रख दिया तो पा का आकार आ गया, और ये ऐसे लगा करके देखा तुमने इस तरह से पा बन गया। और जब ठ बनाना हुआ तो गोल पूरा रंग लगा के चूड़ी में इसको ऐसे छाप दिया, और ये वाला हिस्सा जो छोटा वाला इसको ऐसे ऊपर लगा दिया, देखा दीदी। और ये तो बहुत अच्छे से, इसे तो हम हर अक्षर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो इस तरह से भी। और आलू के ठप्पे काट के थोड़ी कड़ी सब्जी लेनी होती है, ऐसा ना हो कि बहुत मुलायम कोई चीज, जैसे अब लौकी जैसी चीज ले लो या तोरई जैसी चीज ले लो, तो वो तो जल्दी से पिचक जाएगी, उसके ठप्पे नहीं बन सकते। सबसे अच्छा ठप्पा जो होता है वो रबर का होता है। तुमने ऐसे देखा, ये मुहर देखी है इस तरह की? हाँ दीदी। और इसके लिए स्याही भी दूसरी प्रयोग करते हैं, ये देखो ये है ऐसे ऐसे दबा करके इसको छाप देते हैं। अभी हम तुम्हें दिखाएंगे कि इससे भी कुछ चीजें बनी हैं। दीदी वो वाली तस्वीर कैसे बनी है बताओ जरा, सोचो उसमें क्या है। उस वाली में पांव दिख रहे हैं। हाँ, उसमें इस तरह से करके ये जो इतना आकार तुम्हें दिखाई दे रहा है इसको ऐसे छाप दिया गया, और उसके बाद उंगलियों से अंगूठा और उंगली बना दिया गया। दीदी वो मछली बहुत अच्छी लग रही है, उसमें भी क्या ठप्पों से काम किया गया है? हाँ भाई, उसमें मछली में तो बिल्कुल देखो ये सीधे ऐसे काटा एक बार ये, और उसके बाद ऐसे काट दिया। देखो अब ये तुम्हें आकार मिल गया ऐसा। दीदी बस इसी आकार को ऐसे ऐसे करके ये जो उसके शल्क दिखाई दे रहा मछली के, वो इस तरह से बन गए। अलग अलग रंग ले लिया हमने। दीदी वो फूल कैसे बना? ये वाला फूल देखो, यहाँ पर ये ठप्पा रखा हुआ, हम तुम्हें दिखाते हैं। ये देखो ये ठप्पा दिख रहा है? इसमें एक रंग हमने यहाँ पर लगा दिया, और ये हरा रंग भी साथ ही साथ लगा दिया, और जब छापा तो ये पूरा फूल इस तरह से बन गया। और ऐसे ही पत्तियां, ये तो बहुत अच्छा है, तरह तरह की पत्तियां बना सकते हो। ये देखो एक ये सितारा बना हुआ है, इसमें और इस ठप्पे में अंतर क्या है समझ सकते हो? दीदी ये तो बाहर को है दूसरा वाला, और ये वाला अंदर को काटा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसमें इस तरह से ये फर्क पड़ेगा, अगर हम बाहर इसमें रंग लगाएंगे तो अंदर कोई रंग नहीं लगेगा। इस वाले ठप्पे में यहाँ पर सारा रंग आएगा तो अंदर सफेद रह जाएगा, और इस ठप्पे में जितना हम रंग इसमें रंग लगाएंगे तो जो भी हमारा आकार है वही आएगा, कोई भी आलतू फालतू की चीज नहीं आएगी, ये इसका फायदा है। अच्छा आप देखो अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर तुम्हें हम कुछ बना के दिखाते हैं। तुम लोग सोच रहे होगे ना कि ये सब, विश्वास नहीं हो रहा होगा कि कैसे बना है।
अभी देखो हम तुम्हें इससे कुछ चीज बना के दिखाते हैं। ये हमारे पास रंग है, अब देखो रंगों को मिलाने से बहुत सुंदर रंग बनते हैं, ये देख करके उसी हिसाब से काम करना है हमें। ये देखो हमने कौन सा रंग बना लिया यहाँ पर, ये देखो ये रंग जब हमने मिलाए बहुत सारे तो हमारे पास रंग आ गया कुछ कुछ भूरा। हाँ दीदी। अब देखो हम यहाँ क्या बनाने जा रहे हैं, देखा दीदी ये बन क्या रहा है? अभी देखते जाओ क्या बन रहा है, सोचो क्या हो सकता है। दीदी ये तो पेड़ का तना लग रहा है। बिल्कुल सही पहचाना, अभी देखना और आगे क्या निकल के आता है। जी दीदी। ये इस तरह से इसकी जड़ें होती हैं। हाँ दीदी। ये और ऊपर ऐसे शाखाएं जाती हैं, इसमें थोड़ा सा और लाल रंग मिला लेते हैं। इसकी शाखाएं भी बन जाती हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो ये शाखाएं बन गई। दीदी ये तो बहुत अच्छा बन रहा है, अभी बिल्कुल असली पेड़ की तरह। बिल्कुल यही तो ठप्पों का कमाल है कि एक अनोखी बिल्कुल छवि निखर के आ जाती है, जैसे सचमुच की कोई चीज रखी वैसा तुम्हें लगेगा। अभी देखा, अब हम इसकी पत्तियां बनाते हैं। ये तुम इसमें से कोई बनाना चाहते हो? हाँ दीदी। आओ तुम आओ शिवम आगे, और देखो जैसे ये हमने रंग लगाए हैं इसके बाद अब तुम ये हल्का जो पीला वाला रंग है इसको लेते हुए लगाओ, इधर आ जाओ। ऐसे है, ऐसे बीच बीच में लगाते जाओ इस तरह से करके। दीदी मैं भी इस तरह की खूब सारी चीजें बनाऊंगी। बिल्कुल लगाओ, ठीक बिल्कुल सही। बहुत अच्छे, देखिए पत्तियां ऊपर से नीचे की ओर झुकी होती ना ज्यादातर, तो ऐसे ऐसे हाथ चलाइए अब इस तरह से, देखा जी। दीदी ये तो बहुत अच्छा आ रहा है। और अब देखो भाई, अगर इसमें हम दिखाना चाहते हैं कि फल भी लगे हैं तो हम इस वाले ठप्पे का इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हो ये नीचे से गोल है तो गोल गोल फल जैसे लगेंगे इसमें। ये तो असली के फल लग रहे हैं। पानी आ रहा है मुंह में जैसे सेब होते हैं। दीदी ये तो एकदम सेब लग रहे हैं। ये इस तरह से तुम इसको पूरा कर सकते हो। दीदी ये पेड़ तो बहुत जल्दी बन गया, हम लोग जैसे बनाते हैं वो तो बहुत देर लगती है उसमें। तो आवाज सीख गए ना कि कैसे जल्दी से काम करते हैं। पहले से कोई भी चीज बनानी हो तो पहले से योजना बना लो कि हम ये बनाना चाहते हैं, फिर उसके बाद काम करो तो बहुत जल्दी होगा। दीदी हम सभी ये सब बनाएंगे। ये देखो अब ये तुम्हारा पेड़ बन के तैयार हुआ। अगर तुम यहाँ पर चाहते हो कि हम जमीन भी दिखाएं, ऊंची नीची जमीन जैसे होती है वो अगर दिखाना है, अच्छा होता है ना। हाँ दीदी। ये देखो पूरा दृश्य तुम्हारा तैयार हो गया, कोई पेड़ एक लगा हुआ है ऐसे ही। हाँ तो पत्थर लग... ये देखो पूरा बन गया ऐसे। ये तो पेड़ तो बहुत ही सुंदर है। अब देखो हम भी बनाएंगे। अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि जो हमने और चीजें बनाई हैं, जैसे तुमने बधाई पत्र वगैरह बनाए हैं इस तरह से। ये देखो ये ठप्पे से बना हुआ है, ये बिल्कुल असली चित्र लग रहा है। ये देखो ये इस प्याज के ठप्पे से बना हुआ है और साथ में भिंडी की नोक का इस्तेमाल किया गया है। ये डिजाइन देखो
भाई एक दिन हमें एक ऐसा जुड़वा परवल मिल गया, देख रहे हो इस जुड़वा परवल को हमने काटा तो पहले तो वो आकार आया जो तुम कमल का फूल देख रहे हो उसके साथ में पत्ती लगी है, फिर उसके बाद जब ये सूख गया तो ये आकार आ गया, तो हमने ऐसे डिजाइन बना दिया। और बीच में जो अभी हमने तुमको गोल मोहर दिखाई थी, ये वाली मोहर लगी है जगह जगह, ये इसमें हंस जैसे बने हुए उड़ते हुए, ये हो गए। और उसके बाद ये वाला ठप्पा जो गोल वाला था, देखो इधर तो ये बराबर है और इधर बीच में खोखला है, हमने इसको इधर से इस्तेमाल किया तो ये गोले इस तरह के आ गए। डिजाइन देख रहे हो अल्पना दीदी, बहुत सुंदर है। इसमें देखो ये जो ठप्पा है दिख रहा है, जिसको कैरी कहते हैं, इस तरह का ये ऐसे हमने बनाया और साथ में ये वाला आकार काटा, देखो तीन पत्तियों का आकार है दीदी। ये इससे कहे, और अभी जो तुम्हें हमने बताया था कि प्लेट का जो हमने आकार लिया है, ये देखो ये चीज बनी हुई है इससे, देखा सच में ये बहुत सुंदर है। और बाकी ये जो बिंदिया है ये सब इससे बनी दिख रही है। ऐसे तुम सब भी बनाओगे? हाँ दीदी, हाँ दीदी, जरूर। इसको संभालो, इसको संभालो, जरा उधर उधर रखते जाओ, हाँ सब एक के ऊपर एक उधर रखते जाओ। ये देखो ये प्याज से बना हुआ है, ये देखो ये वाला जो आकार है ये हमने इसके लिए प्रयोग किया, और ये वाला आकार जो है ये पत्तियों के लिए प्रयोग किया, और ये देखो ये गोल घिरी सी थी हमारे पास, इससे हमने इसका गोल का बीच का हिस्सा बना दिया इस तरह से, देखा ये इसी तरह सब बन गया। और देखो ये पक्षी, देखो ये भी प्याज से बना हुआ है, इसी तरह के प्याज से और भिंडी से, समूची भिंडी की आगे वाली जो नोक होती है उससे करते हुए ऐसे बना दिया छाप छाप करके। और देखो एक बहुत मजे की चीज तुम्हें दिखाए कि तुम कपड़ों का और स्पंज का भी प्रयोग कर सकते हो, ये देखो या ऐसे लिया ऐसे और इस तरह करके हमने इसमें तीन बना लिए, ये देखो यहाँ से ऐसे पकड़ लिया और फिर ऐसे रंग में डुबो करके इस तरह से यहाँ छाप दिया, फिर इस तरह से बन गया। और जब सिर्फ ये पत्तियां बनानी है तो सिर्फ एक हिस्सा हमने ऐसे पकड़ा और इसको इस तरह से छाप दिया। सच में ये फूल बहुत ही सुंदर है। और बीच के हिस्से के लिए हमने ये प्रयोग किया, देखो जो हमने कहा था कि किसी कपड़े को गोल करके कर सकते हो, हाँ दीदी। और जब आधा छापा तो यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दिया, जब पूरा गोल चाहिए तो ये ऐसे लगा दिया। अब ये देखो ये जो है ये भी स्पंज के टुकड़े से बना है, यहाँ ज्यादा जोर से दबाया उसके बाद धीरे धीरे करते चले गए, ऐसे जंजीरें या तुम किसी आकृति के कोई कुछ भी बनाओ तो उसके बाल बना सकते हो, चोटी बन सकती है। हाँ दीदी। और ये देखो अरे ये तो बहुत सुंदर है, ये भी स्पंज से बना, देखा तुमने कि कितना अच्छा प्रभाव आता है स्पंज से, स्पंज का छोटा टुकड़ा लेकर के उसी तरह से सब छापते चले गए। दीदी ये तो बहुत सुंदर है। इसके साथ में ये देखो तुम कपड़े पर भी छपाई कर सकते हो, ये देखो कमल ककड़ी का टुकड़ा है, इसको ऐसे ऐसे रखा रंग लगा के उसके बाद थोड़ा बहुत रंग और अलग से लगा दिया और आकार दे दिया, ये देखा तुमने? हाँ दीदी, ये तो बहुत सुंदर है। बनाऊंगी इस तरह से। भाई अब सबके सब बनाना है इस तरह, इतना सारा आज कुछ तुमने सीखा है, अब अगली बार जरूर बनाना। दीदी हम तो बनाएंगे। भाई सभी बच्चे बनाओगे ना, देखो ये सब तुम जो देख चुके हो अभी, इतनी सारी चीजें हैं और भी खोजो तुम अपने मन से, नए नए आकार खोजो, नई नई चीजें खोजो कि किससे हम क्या कर सकते हैं।